ये ब्याह भी वाला चोचला भाई फिलहाल उन्हें चाहिए नहीं अपने जीवन में ना। अगर आप मतलब बहुत कम डाइट में बहुत मेहनत करने लग रहे हो ना, तो भाई आप बहुत बढ़िया बॉडी अचीव कर लोगे। सुना मोर बोलता सोशल मीडिया करना चाहो तो भाई राम राम भाई सारा ने। तो भाई तड़का तो टाइम सह को ना, टाइम बाद रहे 5। हरी मजा लग रहा रनिंग करण, अपना दूसरा वर्कआउट कर, पहला वर्कआउट में अपना कराया था गुड़गांव, जो कि मैं अपनी ट्रेनिंग कर आया करूं। और सही बताऊं ने जो तड़का 5 बजे निकल लिया करें दिल्ली क्रॉस करके, फिर 7 बजे क्लास हुआ करें। तो रिकॉर्ड करने का साची बताऊं कभी खास मन नहीं करता, अरीब भी मैं कहना बहुत दिन हो गए हैं, ज़्यादा इनरेगुलर नहीं रही दा हूं दा। तो मैं कल आज बनाए लें थोड़ी सी टाइप जान लाग रहे हैं अपने रनिंग करण। तो पहला घर तरह तरह बड़े ती आया था एक घर रोड क्रॉस करूँगा, रोड पर भाजूँगा फिर इतने में वर्कआउट जितना पसीना आ लिया है। पर कोई नहीं, ये बता रनिंग करनी है, रनिंग करके फिर प्लॉट करना जाकर उड़े अपने वे क्या मोर बोला था शायद सुना ही नहीं दिया वो। फिर अपने रस्से मारे थोड़े से, जो भी करेंगे दिखाते रहेंगे। फिलहाल मैं अपनी रनिंग कर लूँ। भाई रनिंग कर का ली यार, मोर देख लिया, देख ये बोल रहा दिखा, जिसने ना देखे हो जो भाई शहर सूर मर रहा है पहले देख लो भाई मोर। बाकी फोन में देखो तुम, असली में तो बिना देख पा रहे। तो ये बुजुर्ग आराम था भाई, रनिंग कर थोड़ा सा पैदल चल रहा था रोड पर, तो भाई बहुत सारे मतलब जितने मेरे तो लोग मिल रहे हैं ना, मैंने मतलब ऐसा फील करवाऊँ मैं जुगर मैंने घर का आदमी हूँ यार, तो बहुत खुशी हो गया है। असल में मेरे तो मिलने भी लोग आऊँ जो वो भी सी बात है भाई यार, कि जो चाँव है जो मैंने पसंद करा भी ये लोग मिलना आऊँगे। बाकी बहुत बढ़िया लागर भाई, हमेशा ही तरह भाई मैं फिर शुक्र गुजार हूँ थारे थारे इतने सपोर्ट कर इतने प्यार का। सुना मोर बोलता, अरे ये देखो अपना ग्राउंड फिलहाल एक उसका रह रहा है, पत्ती हरी पूरी घास होगी, करेंगे नहीं भी साफ जल्दी ही, हरी अपना रस्सा है। सोशल मीडिया के बारे में एक चीज़ बताऊँ आज मैं, आज आप लोग गाना बहुत तगड़ी, जो मतलब जितने तक किए मतलब आज की तारीख में तो हर कोई इन्फ्लुएंसर बनना चाहे, यूट्यूबर बनना चाहे, सोशल मीडिया पाना चाहे, तो उनकी एक प्रो टिप दूंगा भाई आज बढ़िया, जो मतलब सच्चाई है ठीक है। हर एक मतलब खाली वह मेरे साथ वह मोस्टली चीज़ जब अप्लाई हुआ है जो करें कि नाम लिया करें, अगर आप बॉडी बनाना चाहो उस चीज़ पे भी अप्लाई होगी वह चीज़, तो वर्कआउट निपटा लूँ फिर करेंगे बात इस बारे में। तो भाई थोड़े से रस्से करे थे मैं गर्दन की कंडीशनिंग करना लग रहा हूँ, ये मशीन तक के मतलब ये बेल्ट सी है जो भी, क्योंकि गर्दन बहुत ज़रूरी है। ले भाई सूरज भी डुबन लाग रहा है, और हम भी अपना वर्कआउट ख़त्म करके अपने घर चाल पड़े हैं। समरी दे दूँ वर्कआउट की, 10 किलोमीटर रनिंग, उसके बाद 2 रस्से मारे थे, रस्सा थोड़ा करड़ा हो रहा था जैती फिर आ गया था, फिर अड़ा बीम मारी है 20 बीम ठीक है, थोड़े से डंबल मारे है, डंबल गणे को ना, और नेक की करी थी 100-150 रेप बस सिंपल सा, क्योंकि रिकवरी भी ज़रूरी है भाई, जो प्रैक्टिस में कर ला रहे फिलहाल उसमें दिखने में लागा है 4 मुक्के मार गए आ जाए, पर उसमें बहुत आंगा लागा भाई, और बहुत ज़्यादा एनर्जी लागे है, और एक रिकवरी थी वगैरह सब तमीन चीज़ जो रिकवरी थी वगैरह वह वगैरह आपकी स्लीप, अगर आपकी स्लीप क्वालिटी अच्छी है तो आपकी रिकवरी बढ़िया होगी 101%। अरे वो थोड़ा सा दिखा दो आज घर भर रहे अपना भाई, मतलब ये भर रहे थोड़ा बहुत पेंट पॉइंट होना, बाकी फिर प्रॉपर दिखाऊंगा जल्दी है।
लाली थाना देख लो, गेट देख के कमरे रहे, फिर प्रॉपर एक टूर दिखाऊंगा अपने घर का, लगभग कंप्लीट हो गया, एक दो दिन का रह गया है। अरे मैं नहा धो लूँ और खा लूँ पी लूँ, वर्कआउट कर खा लिए हैं, अभी पीऊँगे अपना प्रोटीन। प्रोटीन के ऊपर भी मतलब कॉन्ट्रोवर्सी रही है रहे भाई सारी आना, तो मैं प्रोटीन पी लूँ पहला फिर बताऊँगा। मैं यूज़ करा करूँ मसल ब्लेज गाइस, जीरो और मसल ब्लेज यूज़ करने का मेरा जो मेन रीज़न है भाई यो है कि सब तो ऑथेंटिक प्रोटीन है, जितना इसमें बताया गया उतना अपना प्रोटीन मिल लगा, और जो भी मतलब जितनी भी चीज़ इसमें मेंशन है वो सारी प्रॉपर है, और मतलब वो सारी बहुत सारी क्वालिटी है भाई इस प्रोटीन में, और बहुत सारे बहुत लंबे टाइम तक कंपनी मार्केट में है, अपनी इंडियन ब्रांड है और बहुत बढ़िया परफॉर्म करने लग रही है, बहुत बढ़िया। मतलब इस इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा फेक प्रोडक्ट थे जो बाहर से इम्पोर्ट हुआ था उस टाइम पर बहुत ज़्यादा फेकनेस बढ़ गई थी, तो अगर आपने ओरिजिनल प्रोडक्ट चाहिए तो आप मसल ब्लेज की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ले सको हो, और एक्स्ट्रा डिस्काउंट थी आप मेरा कूपन कोड यूज कर सको जो कि है अंकित MB, जिस तो भाई आपने भी डिस्काउंट मिला थोड़ा बहुत और मन ने भी सपोर्ट होगा। और तो भाई देख लियो टीन पड़ रही है गौशाला की, और इस भाई पर जिम्मा है इस गौशाला सारा, और इस जिम मैंने क्यों कर पूरा करेंगे वही बताऊँगे आपने थोड़ा आगे चल के, देख लो आटा मतलब सारी देसी है ना, लगभग ये देसी है, मिक्सिंग है लेकिन देसी ज्यादा है, और ये बना दो कितनी गाय हो गया आटा ये आटा लगभग 700 के आसपास है गौ माता का। या भाई शायद भरत गामा का उसाड़ा है, देख सको या सारी टीन पड़ गई है, और आप लोग कैसे हो कर सको इसमें वो ही बताऊंगा आपने थोड़ा आगे चल के। यो तूड़ेगा था भाई, और यो सारा देख लो गल गया सारा, तूड़ा तड़ा भी आड़ा पूरा गल गया। अरे भाई आड़ा ये गौशाला है भीतर बनया रहा गेवर, ये सारा देसी घी में देसी घी में खांड में, खांड भी प्योर खांड है, और कोयले की भट्टी से बना है ना, गैस गुस का नहीं है कोई भी, सारा प्योर के त्योर का नहीं गए, बाहर दिखाऊंगी स्टोली को यो देख लो भाई, खांड तो मीठा कर ला रहे इसने, खांड के भी प्योर खांड है। रोड है दिल्ली रोड, ये बोर्ड दिखता हुआ आपने अटगामा का उछाड़ा है, इसके बाहर या दुकान है या आप देख सको बोर्ड पर लिख रहे जो भी कुछ है, और ये अड़ा है समोसा सामोसा भी के तेल का समोसा ने तेल सम के तेल का समोसा 5 रुपया का भी, 5 का हुआ ना, 5 का है भाई भी, तो देख लो आप भाई आप एक बात सोचते हो गए कि गौशाला का गेवर का ये मतलब ये बात है कोई सूट सी ना हुई, तो आप सबने एक बात बता दूँ, जो गेवर बने वो सारा ऑर्गेनिक है, सारा आपकी सेहत ही बढ़िया है, और तो दूसरी चीज़ है भाई राकेश भाई जो इसने चलावे हैं सारे ने, ये जो ये गेवर की कमाई है सारी गौशाला में दान करा, इस पर भाई ने लिख भी रखा है 2021 जून 24 तक ले गए ने इतना दान कर दिया गौशाला में 58,47,000 रुपये, और इस साल का टारगेट भाई का 15 लाख रुपये है, 15 लाख रुपये दान करें, तो भाई इसमें आप लोग सपोर्ट किए कर सको, गेवर तो देखो सब खावे सीजन में, बस नू है भाई बढ़िया चीज़ खाई जाएगी थारे पे, यार गऊ का दान भी हो जाएगा तो दोनों चीज़ बढ़िया हो जाएगी भाई, और आप आ सको हाड़ा आके, एड्रेस एक बार बोल कर बता दो, दिल्ली खरखुदा रोड अठगाम गौशाला सैदपुर खरखुदा सोनीपत हरियाणा, और ना एड्रेस पाओ तो ये नंबर रहे भाई अड़े थे कर सको भाई द्वारा तुम फोन। तो यो भाई प्लॉट का काम चल रहा है, टीन टानी पड़न लग रही है उड़ा जिन्ना चढ़न लग रहा है, दिन में दिखाऊंगा कल वाले ब्लॉग में दिखाऊंगा प्लॉट में क्या बना ला रहा है, मतलब बड़ा एक थोड़ा सा अपना सेटअप सा लगाऊंगे जो पिछले प्लॉट में था ना वर्कआउट करने का माड़ा बनाऊंगे। तो भाई थोड़ी सी बात कर ले, बाकी मैं थक रहा हूँ, मेरी आवाज़ तो लगता होगा और थोड़ा सा सर भी भारी हो रहा है, अजीब सा हो रहा है जो कर ज़्यादा वो हो गया कि अगर उसने डिहाइड्रेट होगी बॉडी, बाकी पानी पी ला कर और हो जाएगा। और एक चीज़ और भाई देख भाई मेरा गए बहुत सारे लोग मैंने इन चीज़ों पर जज भी करेंगे, तो जो फैक्टर है मैं तो वही बात कहूँगा भाई, इसमें अगर किसी ने बुरा लग गया तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, सच्ची बताऊँगा ना, ये एक चीज़ सोशल मीडिया पर जो सबसे ज़्यादा वायरल हुआ है, कम 100 रुपये में बॉडी बना देंगे, फ्री में बॉडी बन जाएगी, रोटी खाई तो बॉडी बन जाएगी खाली, तो भाई एक नहीं मतलब हाँ 50% या पास साँस है, अगर आप खाली रोटी भी खा रहे हो आपकी बॉडी बन जाएगी, क्योंकि बॉडी का एक मैकेनिज्म होगा उसने अगर आप करन ला ले तो वो बनेगी, पर एक एथलेटिक बॉडी तो उसकी तो बहुत सारी चीज़ें मैटर करा भाई है ना, और
एक फिर मेरे ऊपर एक क्या कह रहे उसने एलिगेशन उठा रहा है अंकित भैया भैया गरीबी को दिखा कर फेमस होया है और ये वो अपने डब्बे डब्बे के वो करना क्या बाकी बात मैंने क्लैरिफिकेशन पर लग दे रखी है ना। और पहला बादाम पिया तो बादाम भाई मैं भी पीऊँ हूँ। एक चीज़ और क्या करा कि भाई सब प्रोटीन थोड़ी ले सके भाई बिल्कुल कभी सच्ची बात है सब प्रोटीन ले सकते। एक साल पहला मैं भी भाई मतलब जो मैंने क्या नाम लिया करा जब गेम गाम की तैयारी कर रहा था जब मैं यूज़ कर रहा था प्रोटीन अदरवाइज मैं भी यूज़ नहीं कर रहा था। इम मैं कैपेबल होता मैं ले लूँ हूँ क्योंकि मैंने जरूरत भी है भाई फालतू है ना मेरे न्यूट्रिशन वैल्यू ना पूरी हो पाती ना मैं उतना खा पाता क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मेरी गला जुड़ गई हैं। एक मतलब पहला कि उस तो बताऊँगा भाई अगर आप कोई भी मतलब एक छोटा बच्चा ही बादाम पिया हुआ ना तो कम से कम भी वो भी भाई दो दो टाइम वर्कआउट करने वाली बात कर रहा हूँ मैं वो मतलब 3-4 किलो बादाम पी जाओ बड़ा 5-6 किलो पी जाएगा बादाम मिनिमम बताऊँ उसकी गला जो ठंडा ही होया करा वह भी कॉस्टली है उसमें सौंफ मगज खसखस इलायची काली मिर्च गुलाब की पंखुड़ियाँ मतलब ये कोई सस्ती चीज़ है ना 5 रुपये किलो आवे हैं ये सारी एक्सपेंसिव चीज़ है भाई इलायची का रेट काली मिर्च का रेट पता करोगे आपने मेरा पड़ जाएगा। तो बादाम है जो गुरबंदी बादाम जो मेन यूज़ हुआ कर रहा है ये बहुत सारे के यूज़ कर ले हैं वो के नाम ले कर रहा है एक बड्डी गिरी हुआ जो मिठे वाली वह होया कर अमेरिकन गिरी ठीक है बोता ने बादाम रगड़न का तो बेरा इन्हें बेरा गिरी कौन सी यूज़ होया कर तो भाई बादाम में जो गिरी यूज़ होया कर वह छोटी गिरी यूज़ होया कर जिसने हम गुरबंदी कहा करें और एक उस तो ऊपरली जो एक और कैटेगरी होया कर बादाम की वह होया कर मामरा जो बादाम टेढ़ा मेढा होया कर ये मोस्टली ये बादाम भाई अफगानिस्तान में उगाए जाए भारत इम्पोर्ट होया कर तो वो बादाम भी भाई 800-1000 रुपये किलो के बीच में वो बादाम ठीक है तो 8-4 मतलब लमसम आप खांड पांड सब उसमें ला गए लमसम 4000 रुपये के करीब पोचोगे खाली बादाम का खर्चा ठीक है। फिर बात करेंगे भाई मतलब ये मैं बात कर रहा हूँ बिना सप्लीमेंट की डाइट की बादाम हो गए फिर दूध भाई कम से कम किलो तो चाहिए छोटा बालक हो अडल्ट मतलब किलो दूध तो मेरे हिसाब से चाहिए 2100 रुपये हो गए। अरे इसे भाई थोड़े बहुत फल फ्रूट भी खाने पड़े खाली इनमें तानना बाजे ठीक है घी हो गया जिसके घर का है ना भाई उसका भी खर्चा हुआ है पर वह चीज़ नुआ है उसमें दिखता को नहीं और जिसके घर का ना है भाई उसका तो कहना है कि है भाई तो घी भी है जो भाई मोटा मोटा 1000 रुपये किलो है ना मिल जा जब की बात है मिलता को ना बाकी मिल जाए जब की बात क्योंकि भाई गामा में अभी आजकल कोई डांगर रखा रहा जीना है सब अपने थैलिया दूध पी भगवान के भजन गाँव है तो वो एक काम हो रहा है क्योंकि बेरा कि एक चीज़ में बदलाव जो बहुत ज़्यादा आया लोग कम्फर्ट करने ज़्यादा बाज गए हैं और अपने काम न करने भूल गए अपने रूटा न भूल गए वे उस लेवल पर काम नहीं कर पाते। देख भाई इस चीज़ में ना मैं खुद ने भी काउंट करूँ कि भाई मैं एक टाइम पता मैं बहुत कर रहा था उसके मुकाबले में आज के टाइम में 10-20% मेहनत करता हूँ उस टाइम के मुकाबले में तो कितना कितना चीज़ तो भाई चेंज हो गए है ना पर होनी नहीं चाहिए आदमी ने मेहनत तो करनी चाहिए बल्कि हालांकि मैं ठीक ठाक करूँ मेहनत जो कर आज भी मैंने उड़े 1.5 घंटा उड़ा करी होगी स्पैरिंग की और फिर ये 10 किलोमीटर रनिंग रस्से रस्से और भी आगड़ा बतेरा करा था। तो ये जुगर आपने जो भी लोग नुका है ना भाई या कि रोटी खा लियो और अपना भाई 1/2 किलो दूध मतलब उसका पी लियो दो टाइम अपनी देही ने तोड़ो और आपकी बॉडी बन जाएगी ये और वो होते भाई की बॉडी बिहारी की भी होगा जो एक मजदूर हो है बॉडी भाई मेरा आपा की भी थी हमारे कुणबे में और भी बतेरे उनकी भी थी है ना पर उस बॉडी में हर एक उस बॉडी में फर्क हुआ है एक मजदूर की बॉडी में हर एक उसी बॉडी में फर्क हुआ है। अगर आप मतलब बहुत कम डाइट में बहुत मेहनत करने लग रहे हो ना तो भाई आप बहुत बढ़िया बॉडी अचीव कर लोगे हालांकि उतना मसल मास नहीं अचीव कर पाओगे पर आप बॉडी बढ़िया अचीव कर लोगे इसमें कोई शक नहीं है। आपने बहुत सारे बिहारी भाई देखे होंगे जो काम करना आ रहा है उनका दिन प्रोपर नु गड्ढे और 6-पैक पाया करें उनकी तो कुछ डाइट भी को ना सामने अपना बढ़िया पोवा मार के सुहा फिर भी पर इसका साइड इफेक्ट क्या है भाई कि भाई वे उनकी उम्र भी उतनी है ना उनकी उम्र ज़्यादा ना होती मैंने भाई कोई बिहारी ज़्यादा लंबा जीता ना देखा उनका बुढ़ापा बहुत गंदा है भाई बुढ़ापे की तो वे पोस्ते को असल में और उन जितनी मेहनत होगा को भाई वे बहुत मेहनती बालक हैं
बहुत मेहनती है भी अपना घर छोड़गा मैं तो मेहनत करती है छोड़गा मैं जो कर अपने आले भाई बाहर देशा में जावे भी थोड़ा थोड़ा घंटे की शिफ्ट लगावे हैं खाने की सोती ना और क्या की सोती तो समझने की बात बस यह इतनी सारी चीजें बताने के चक्कर मेरा बस मेन मोटिव यह था भाई देख सब आपने यह चीज बताना लग रही कि भाई आप सस्ते में बॉडी क्यों कर बना सको पर कोई भी आप लोगों ने यह चीज क्यों ना बताता कि भाई बॉडी सस्ते में नहीं बनेगी आपने कमाना पड़ेगा जो कि रूल मन ने अपनी जिंदगी में अप्लाई कराया था मन ने मतलब पिछले मतलब जब मैं जॉब कराया था उसके मतलब एक डेढ़ साल पहले था मैं घर खर्चा देने लगा था उससे पहले मैं कोई खर्चा ना दिया करता वो खर्चा भी क्यों देना पड़ा था कि भाई नुगे थे कि ब्याह करवा ले ये कर ले वो कर ले मगर भाई रोटी खानी है ना तुमने तब मेरे तलिफ दो मैं ले आकर दूंगा सामान ये ब्याह भी वाला चोचला भाई फिलहाल उन्हें चाहिए नहीं अपने जीवन में ना मैं जो कमाल ला रहा था मैं अपने ऊपर स्पेंड करने ला रहा था भाई मैं 15-20 हज़ार मैंने जोमेटो के टाइम में 25-25 हज़ार भी मैंने मंथली कमाए हैं तो कमाने वाले थी तो भाई घाटा है नहीं पर आज की जनरेशन में जो मेन प्रॉब्लम यह हो रही है भाई सबने कमाना है और शॉर्ट में कमाना है मेहनत नहीं होनी चाहिए उसमें और मैं कामयाबी का मतलब एक सिमिलर चीज़ है कि मतलब हर बंदा ने हर बंदा उस प्रोसेस तो होगा गुजर रहे हैं जो प्रोसेस मतलब किसी भी फील्ड का हो हर आदमी उस एक मतलब एक सर्टेन टाइप है वो बहुत अकेला रहा है जब जाके उसने अपने भीतर का नुबेरा पट्टा के करना और के नहीं करना क्योंकि जब ती आप ग्रुपा मांडे जाओगे तो बैठ का अपना होका पीलना आ गए हो खिलखिलान ला गए हो तो भाई तुम अपने बारे में किए जानोगे किए तुम मेहनत करोगे के तुम सोचोगे भाई आगे के करना के ना करना है ना तो ये समझने की बात है भाई बाकी मैं इतना बड़ा क्या नहीं ना हूँ बस भाई आज की वीडियो में इतना ही था थोड़ी बहुत समझ में आई हो तो जब बाबा की ना तो भाई आजकल सब अपने दिमाग तो चल ले रहे हैं अरे सोशल मीडिया की एक और बात बताऊँ अगर सोशल मीडिया करना चाहो तो भाई टाइम देना पड़ेगा मेरे भाई किसी वाला वीडियो बनाएगा कोलैब करके कोई ना बने बात अगर आपने कोई नो दिखा है ना कि भाई ये थोड़े टाइम में कामयाब हो गया तो भाई उसकी एक बार हिस्ट्री चेक करके देखियो हालांकि भी इसको सोशल मीडिया पर आए एक साल होया उसने पर उसने अपने पीछे जो प्रोसेस था वो पूरा कर रहेगा कुछ भी वो 5-10 साल का हरियाणा में कहावत कहा है 12 साल में तो कुरडी के बाग जाग जा रहे हैं मतलब टाइम हर चीज़ ना लग गए हैं तो वो कुछ भी हो अगर आप एक चीज़ का टाइम दोगे तो वो आपकी चीज़ सक्सेसफुल होगी बस मन में विश्वास होना चाहिए और भगवान में विश्वास होना चाहिए सब कुछ होगा बस भाई आज की वीडियो ब्लॉग नहीं अड़े करेंगे एंड और जाते जाते फेरे के बात कहूँगे भोले बाबा जी से किसी में दम नहीं देसी किसी से दम नहीं बोल शंकर भगवान की जय।